तो टुडे वी विल हैव अ वेरी जनरल एंड बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट आर ह्यूमन राइट्स, है ना, और उसके बाद उसके क्लासिफिकेशन, उसके डिविजन्स और कुछ और इश्यूज जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं हम सबके लिए समझना, उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो कंसीडिंग ह्यूमन राइट्स में अगर हम सबसे पहले या फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन विच वी कैन आस्क इज व्हाट आर ह्यूमन राइट्स, राइट। तो ह्यूमन राइट्स को ना बहुत सारे तरीके से समझा जाता है। अगर एक बेसिक डेफिनेशन देखें तो ह्यूमन राइट्स को कहा जाता है दैट दे आर दोस काइंड ऑफ राइट्स विच आर प्रोवाइडेड टू एनी इंडिविजुअल व्हाट्सोएवर सो दैट हिज और हर डिग्निटी कैन बी अपहेल्ड, है ना। तो ये बेसिकली ह्यूमन डिग्निटी को जो है इंश्योर करने का एक मैकेनिज्म होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि ह्यूमन बींग्स आर डिफरेंट और आर स्पेशल कंपेयर टू एनी अदर से नॉन ह्यूमन बींग, है ना। तो ह्यूमन बींग्स के जो ह्यूमन राइट्स हैं या जो राइट्स हैं जिनको हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं, उनको बहुत सारे तरीके से समझा जाता है। कभी कभार उसको पॉलिटिकल राइट्स कहते हैं, कुछ लोग उसको सोशल राइट्स कहते हैं, सम पीपल कॉल इट कल्चरल राइट्स और इकोनॉमिक राइट्स, कभी कभार उसको कहते हैं कि दीज आर इंटरनेशनल राइट्स और दीज आर नेशनल राइट्स, समटाइम्स के कॉल इट, जैसे कि उसको यूनिवर्सल राइट्स माना जाता है, तो कुछ लोग कहते हैं उसको लोकल राइट्स हैं एंड सो ऑन। तो ये बहुत सारे स्फीयर हैं जिसके थ्रू जो है ह्यूमन राइट्स को समझा जाता है। बट डज नॉट मैटर व्हाट, ह्यूमन राइट्स आर ऑलवेज पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स क्यों है, क्योंकि दो चीज समझना जरूरी है, एक होता है स्टेट, दूसरा होता है सब्जेक्ट। स्टेट कौन होता है, दैट विच इज हैविंग अथॉरिटी ओवर ए जियोग्राफिकल टेरिटरी। तो एक जियोग्राफिकल टेरिटरी जिसको हम इंडिया बोलते हैं, अगर ये जियोग्राफिकल टेरिटरी है तो उसके अंदर जो स्टेट है वो होगा इंडिया या इंडियन गवर्नमेंट, है ना। तो इंडियन गवर्नमेंट के राइट्स जो हैं या इंडियन गवर्नमेंट जो राइट्स देती है अपने सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट्स भी दो पार्ट्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। एक होंगे सब्जेक्ट्स जो कि सिटीजन्स होंगे और दूसरे होंगे नॉन सिटीजन्स, क्योंकि अगर आप किसी भी कंट्री में देखें तो उसमें सिटीजन्स होते हैं और नॉन सिटीजन्स होते हैं। सिटीजन्स वो होते हैं जिनके पास सारे राइट्स होते हैं, लेकिन नॉन सिटीजन्स के पास सारे राइट्स नहीं होते। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक सिटीजन के पास हर एक राइट हो। छोटे बच्चे जो कि सिटीजन ऑफ आर कंट्री हैं लेकिन उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं अगर वो 18 ईयर्स से कम होते हैं। इसी तरीके से डिफेंस पर्सनल हैं, वो भी जो है सिटीजन ऑफ आर नेशन है लेकिन उनके पास भी बहुत सारे राइट्स नहीं होते हैं, जैसे कि दे डू नॉट हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच इन सम केसेस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है बहुत सारे राइट्स उनको नहीं प्रोवाइड करती है, बिकॉज वो एक नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन सकता है। तो गिवन ऑल दोज थिंग्स, हमें ये चीज समझ में आनी चाहिए कि स्टेट के अंडर में सब्जेक्ट्स होते हैं, तो सब्जेक्ट्स के पास अलग अलग तरीके के राइट्स होते हैं, ठीक है ना। तो आपको जितने भी राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं उनको अगर मोटे तौर पे देखने की कोशिश करें तो दे आर पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स इसलिए बिकॉज इट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टेट, तो स्टेट अपने सब्जेक्ट्स को प्रोवाइड करता है, तो इसलिए वो स्टेट और सब्जेक्ट के बीच की बात है। तो राइट्स आर बेसिकली एंटाइटलमेंट्स, है ना, कि आप एंटाइटल्ड हैं, आपके पास ये चीजें हैं, आप कर सकते हो। तो उसको हम कहते हैं कि ये राइट्स जो हैं ये स्टेट जो है अपने सब्जेक्ट्स को देता है, फिर सब्जेक्ट्स को अलग अलग तरीके से देता है एंड सो ऑन। तो ये एक मोटे तौर पे आपको समझ में आना चाहिए। हालांकि ह्यूमन राइट्स आर सोशल राइट्स, कल्चरल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, नेशनल एंड लोकल राइट्स एज वेल, लेकिन आपको उसको सबसे जिसे कहना चाहिए प्राइम तरीके से अगर समझने की कोशिश करें, द मोस्ट प्रीमियर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोज इज दैट इट इज पॉलिटिकल राइट्स। इसके साथ साथ इसको इंटरनेशनल राइट्स भी समझना जरूरी है। तो अगर इन इस पूरी लिस्ट में अगर हम देखें तो हमें दो चीजें समझ में आनी चाहिए, एक दैट दीज आर पॉलिटिकल राइट्स द फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड इज दैट दीज आर इंटरनेशनल राइट्स। इंटरनेशनल राइट्स क्यों कह रहा हूं मैं, इंटरनेशनल राइट्स समझना इसलिए जरूरी है बिकॉज ऑल दीज राइट्स आर अवेलेबल टू यू फ्रॉम एन इंटरनेशनल परस्पेक्टिव। क्यों, क्योंकि ऑल ऑफ दीज राइट्स आर कमिंग फ्रॉम यूडीएचआर, है ना। जिन लोगों की क्लासेस फर्स्ट और सेकेंड मिस हो गई है उनको मैं बता दूं, यूडीएचआर इज बेसिकली यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो करीब करीब 1948 के आसपास आया था और उसके सिग्नेटरीज हम भी हैं, है ना। तो इंटरनेशनल है बिकॉज यूडीएचआर जो है वो एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेशनल या लोकल नहीं है, क्योंकि हर एक नेशन जो है उन इंटरनेशनल राइट्स को प्रोवाइड करने की कोशिश करता है अपने देश में या अपने टेरिटरी में। और लोकल भी होता है, लोकल इसलिए होता है क्योंकि वो जो है एक लोकल एरिया में भी जो है या एक किसी भी रीजन में भी जो है वो एप्लीकेबल होता है ना। ब्रॉडली स्पीकिंग इट हैज टू बी अंडरस्टूड एज पॉलिटिकल राइट्स एंड इट हैज टू बी अंडरस्टूड एज इंटरनेशनल राइट्स। तो अगर कोई आपसे पूछता है तो आपको समझ में आना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स आर पॉलिटिकल राइट्स, ह्यूमन राइट्स आर इंटरनेशनल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स आर सर्टेन राइट्स विच एंश्योर द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो अगर इस तरीके से समझेंगे तो मेरे ख्याल से एक प्रॉपर ग्रैस्प होगा। नाउ लेट अस कम टू कि हमको क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं इस कोर्स में, ठीक है ना। तो हालांकि मैंने इन चीजों के बारे में इसके पहले भी थोड़ा सा बात किया है, बट फिर भी मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूँ बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव जॉइंड फॉर द फर्स्ट टाइम। हमें सबसे पहले तो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा और कुछ थ्योरेटिकल डिस्कोर्सेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे आज भी हमें थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस वाला पार्ट मैं आपको ऐसे भी दे सकता हूँ एज एन असाइनमेंट, एज अ रीडिंग असाइनमेंट, बिकॉज एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। तो उसमें जो है मैं मतलब कि इट विल नॉट बी रिक्वायर्ड कि मुझे उसको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़े या कुछ जो है वो करने की जरूरत पड़े। तो उनको छोड़ के बाकी सारी चीजों को जो है मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। और जो वीडियोस होंगे वो तो एक सर्टेन तरीके से आपको चीजें समझा ही रहे होंगे, इंटरनेट पे भी बहुत सारा मटेरियल होता है, लेकिन क्लास डिस्कशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए जो है क्लासेस को जो है मिस ना करें। क्या क्या चीजें हैं जिनको कि हमें डिस्कस करने की जरूरत है हमारे कोर्स में? द फर्स्ट थिंग इज दैट वी विल बी डिस्कसिंग रैगिंग, है ना। रैगिंग आपको पता होगा कि हैज बीन बैंड इन आवर कंट्री एंड इन मेनी कंट्रीज एज वेल। और उसके पहले हमारे देश में सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट्स ने, है ना, जो है रैगिंग को बैन किया था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। और रैगिंग को जो है सुप्रीम कोर्ट का 2001 का डिसीशन है जिसमें कि उसको कहा जाता है दैट इट इज ए ह्यूमन राइट्स वायलेशन। तो व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज ए ह्यूमन राइट्स वायलेशन, रैगिंग के क्या नुकसान थे, क्यों उसको बैन करना पड़ा एंड सो ऑन, ये सारी चीजों को हम डिस्कस करें। तो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टॉपिक से आफ्टर अ कपल ऑफ मोर इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स। उसके बाद जो हम डिस्कस करते हैं टॉपिक वो है सेंसरशिप एंड पोर्नोग्राफी। तो सेंसरशिप यूजुअली लगता है लोगों को दैट सेंसरशिप इज बेसिकली लाइक कि मूवीज को सेंसर कर दिया जाता है ना, कि भारत सरकार या कोई भी सरकार जो है मूवीज जो भी फिल्म या मूवी रिलीज होना चाहती है उसको सेंसर करती है। हमें सेंसर बोर्ड का एक सर्टिफिकेट दिखता है किसी भी मूवी को देखने के पहले, तो हमें लगता है कि वो सेंसरशिप मतलब वो होता है। बट सेंसरशिप का मतलब ये नहीं होता। सेंसरशिप का मतलब होता है विच कर्टेल्स द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, इट कैन बी एनीथिंग, है ना। तो हम उसको बहुत ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। मूवीज या लिटरेचर जो है वन पार्ट ऑफ इट है, लेकिन उसको छोड़कर भी बहुत बड़ा पार्ट है जिसको कि डिस्कस करने की जरूरत है। इसी तरीके से पोर्नोग्राफी को भी जो है एथिकली और मॉरली गलत माना जाता है बहुत सारे चीजों में, और इसीलिए उसको भी जो है बैन किया गया है हमारे देश में भी जो है। एक तरीके से देखा जाए तो पोर्नोग्राफी बैन है। तो क्यों है या उसके क्या रिलेटेड इश्यूज हैं एंड सो ऑन, इनको भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है पॉलिटिकल इम्प्रिजनमेंट। तो पॉलिटिकल इम्प्रिजनमेंट होता है जैसे कि एक तो होता है कि आपने कुछ गलत किया देश के रूल्स या लॉस के अगेंस्ट में, तो आपको इम्प्रिजन किया गया। तो वो होता है कि आप कोई क्रिमिनल है या आपने कोई इस तरीके का क्राइम कमिट किया है। दूसरा होता है दैट सपोज समबडी इज इम्प्रिजन बिकॉज ऑफ हिज और हर पॉलिटिकल व्यूज। इज और हर पॉलिटिकल व्यूज का मतलब क्या होता है कि भाई अगर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है, स्टेट के अगेंस्ट में है, तो उसके कारण से भी पॉलिटिकल इम्प्रिजनमेंट होते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग उसको जो है जैसे मुझे कहना चाहिए कि नॉन वायलेंट तरीके से परस्यू करते हैं, कुछ लोग वायलेंट हो जाते हैं, कुछ लोग सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ लोग सरकार को घेराव करते हैं, कुछ लोग सरकार के अगेंस्ट में चले जाते हैं एंड सो ऑन। तो इन चीजों से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं जिसमें कभी कभार लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है या कभी कभार लोगों को एक्साइल कर देते हैं एंड सो ऑन, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिनको की डिस्कस करने की जरूरत है। तो उसको हम पॉलिटिकल इम्प्रिजनमेंट में डिस्कस करेंगे।
उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं दैट इज कॉल्ड एज टॉर्चर. व्हाट इज टॉर्चर? टॉर्चर जो है ये भी एक ग्रेव ह्यूमन राइट वायोलेशन है. उसके पीछे अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर आप लॉ देखें या जुडिशरी देखें तो जुडिशरी मानता है कि आप इनोसेंट हैं अनलेस यू आर प्रूवन गिल्टी. लेकिन टॉर्चर उसके ऑपोजिट काम करता है. टॉर्चर क्या करता है? टॉर्चर मानता है कि आप गिल्टी हैं अनलेस यू आर प्रूवन इनोसेंट, है ना. तो और ये क्यों होता है और ये क्यों और किस तरीके का मैकेनिज्म है और किस तरीके के ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं इससे रिलेटेड, तो इनको भी हम डिस्कस करेंगे. और इसमें एक बहुत बड़ा इशू जो डिस्कस किया जाता है वो ये है कि लोग टॉर्चर कर कैसे लेते हैं या करते कैसे हैं, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग को परेशान करना या उसकी चीख सुनना, उसको चिल्लाते हुए सुनना, है ना, उसको दर्द में देखना, यूजुअली दूसरे ह्यूमन बीइंग से झेला नहीं जाता या उससे रहा नहीं जाता. हम लोग देखिएगा, हम लोग बहुत ही सिंपैथेटिक हो जाते हैं अगर कोई रो रहा होता है या कोई दर्द में होता है दिस एंड दैट. लेकिन फिर भी कोई पर्सन अगर किसी के ऊपर इन्फ्लिक्ट कर रहा है पेन, वो कैसे कर लेता है? तो इस तरीके के थ्योरेटिकल डिस्कोर्सेज एंड सो ऑन को भी जो है हम समझने की कोशिश करेंगे. उसके बाद वी विल बी डिस्कसिंग डेथ पेनल्टी, अबॉर्शन, यूथनेशिया और जीनोसाइड. लाइन से डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें. ये सारी की सारी चीजें जो है डेथ से रिलेटेड है. डेथ पेनल्टी जो कि सरकार लोगों को देती है ऑन द बेसिस ऑफ उन्होंने कोई क्राइम कमिट किया इस तरीके का. हमारे देश में हम कहते हैं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम, यूएस में कहते हैं हीनियस क्राइम. तो ये डेथ पेनल्टी क्यों दिया जाता है या डेथ पेनल्टी कोई पर्पस सर्व करता है कि नहीं और वो एक ह्यूमन राइट वायलेशन है कि नहीं. इसी तरीके से हम एबॉर्शन, ये भी एक डेथ से रिलेटेड है क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि जिस बच्चे को आपने अबॉर्ट किया है इन अ प्रीमेच्योर स्टेट, वो एक वर्चुअल या वो एक जैसे कहना चाहिए पोटेंशियल ह्यूमन बीइंग था लेकिन आपने उसको जन्म ही लेने नहीं दिया, तो ये भी एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन है. और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, लोगों के पास राइट्स होने चाहिए सो दैट दे कैन गो फॉर अबॉर्शन. तो इस तरीके की चीजें भी हैं. लेट मी सी, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट आई गेस सो अभी भी एंट्री नंबर तो नहीं लिख रहे बिकॉज आई कैन नॉट सी एनीबॉडी प्रेजेंट ओवर हियर. तो अबॉर्शन को भी जो है एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन माना जाता है और दोनों तरफ इसके आर्गुमेंट्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और दोनों तरफ लोग हैं. कुछ लोग प्रो लाइफ होते हैं, कुछ लोग प्रो चॉइस होते हैं. तो हम इस चीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे. इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूथनेशिया. यूथनेशिया क्या होता है? जिसको कि हम लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कहते हैं मर्सी किलिंग. तो मर्सी किलिंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ ह्यूमन राइट्स वायलेशन. यूथनेशिया, मर्सी किलिंग, मर्सी किलिंग की भी जो है बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है और जो है लोग चाह रहे हैं कि मर्सी किलिंग को जो है लीगलाइज किया जाए. कुछ देशों में जो है मर्सी किलिंग या यूथनेशिया लीगलाइज है. और क्यों है या क्यों हमारे देशों में नहीं है या बहुत सारे देशों में नहीं है, उसके पीछे के आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, क्या इन फेवर या अगेंस्ट जाता है, यूथनेशिया कितने टाइप्स के होते हैं एंड सो ऑन, इनको भी हम डिस्कस करते हैं इन दी टॉपिक यूथनेशिया. एंड सिमिलरली जो जीनोसाइड है जिसको कि मास किलिंग ऑफ इंडिविजुअल समझा जाता है, हालांकि आप जब जीनोसाइड पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू मास किलिंग बट इट कैन टेक प्लेस विदाउट इवन मास किलिंग. तो वो भी एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है. तो इसको छोड़ के वेमेन राइट्स है, चिल्ड्रन राइट्स हैं, ये भी समझ में आना चाहिए. वेमेन राइट्स, वेमेन एंड चिल्ड्रन आर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी और माना जाता है दैट दे आर आल्सो द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और उनके अगेंस्ट में बहुत सारे जो है वायलेशंस होते हैं. तो उसको भी जो है हम डिस्कस करते हैं इन वेमेन राइट्स, है ना, वेमेन राइट्स इश्यूज या वेमेन राइट्स वायलेशंस में. इसी तरीके से चिल्ड्रन राइट्स भी होते हैं बहुत सारे और चिल्ड्रन राइट्स भी जो है वायलेट होते हैं, तो उनके लिए ये स्पेशल सेक्शन होता है और उसको भी जो है हम डिस्कस करते हैं. इसको छोड़कर जो हमारे टॉपिक्स हैं इस कोर्स में उनमें आता है अपार्थीड. अपार्थीड आपको पता होगा हिंदी में उसको शायद रंग भेद कहते हैं, हालांकि अपार्थीड इज नॉट ओनली रंग भेद, यानी कि सिर्फ रंग के आधार पे ही भेद करना जो है अपार्थीड नहीं है, और भी बहुत सारे टाइप के अपार्थीड होते हैं. तो उसको भी जो है हम डिस्कस करेंगे. और हमारे देश में कास्टिज्म है, किसी देश में रेसिज्म है, तो ये सारे इश्यूज भी जो है वहां पर आते हैं. नेक्स्ट कोर्स में जो पार्ट आता है उसको हम कहते हैं रेफ्यूजीज.
सम मैसेजिंग, हु इज मैसेजिंग, क्या आया है मैसेज पे, निशिता वर्मा इज राइटिंग नाउ एट 10:31। निशिता सो रहे थे आप, हैं अभी तक आपको अटेंडेंस लिखने का टाइम नहीं मिल पाया। प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास। ओके, तो रेफ्यूजीज आपको पता होगा कि जो है ये भी एक अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी जो है रेफ्यूजीज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पाई जाती है। आपको पता होगा कि हमारे देश में रोहिंग्यास की प्रॉब्लम थी, या जम्मू एंड कश्मीर तक रोहिंग्यास आ गए थे, सो तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और वो क्या ह्यूमन राइट्स वायलेशंस करते हैं, कैसे करते हैं। सो इस तरीके से रेफ्यूजीज में हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं इंटरनली डिस्प्लेस्ड। नाउ इंटरनली डिस्प्लेस्ड का मतलब होता है कि जो देश से तो बाहर निकाला नहीं गया लेकिन देश के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। जैसे कि कश्मीरी पंडित जो हैं उनको कहा जाता है इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल। तो इनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, सरकार को क्या करना चाहिए, क्यों ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है, ये सारी चीजों को भी देखें। इसी तरीके से लास्ट पार्ट अगर हम देखें तो वो है स्लेवरी। तो स्लेवरी जो है वो बैन कर दिया गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जो पुराने फॉर्म्स ऑफ स्लेवरी थे वो सारे के सारे जो है मोर और लेस खत्म हो गए। पर ऐसा है नहीं, ऐसा है इसलिए नहीं बिकॉज इवन इफ स्लेवरी को बैन कर दिया है या ओल्ड फॉर्म्स ऑफ स्लेवरी हैव ट्रांसफॉर्म्ड, बट देन देयर आर न्यू फॉर्म्स ऑफ स्लेवरी, और वो भी जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज वर्ल्ड की। और अगर आपको मैं सच बोलूं तो इंडिया इज कंसिडर्ड एज द स्लेव कैपिटल, है ना। हमारे देश में जो है बहुत सारे तरीके के स्लेवरीज आज भी मौजूद हैं और उसको जो है एक ग्रेव ह्यूमन राइट वायलेशन के फॉर्म में देखा जाता है। तो इस पे भी जो है हम डिस्कशंस करेंगे। सो दीज आर मोटे तौर पे, है ना, ब्रॉडली स्पीकिंग द टॉपिक्स विच वी विल बी कवरिंग इन दिस कोर्स। चलिए आगे चलते हैं, लेट अस कम टू सम जनरल डिस्कशन। पहली चीज समझ में आनी चाहिए दैट ह्यूमन राइट्स आर नॉर्म्स दैट एस्पायर टू प्रोटेक्ट ऑल पीपल एवरीवेयर फ्रॉम सीवियर पॉलिटिकल लीगल एंड सोशल अब्यूसेस। तो अगर आप ह्यूमन राइट्स का नेचर देखें तो ह्यूमन राइट्स के नेचर को समझने की कोशिश करें तो दीज आर बेसिकली नॉर्म्स। नॉर्म्स हैं इसलिए क्योंकि आपको जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था दैट द स्टेट is responsible for the rules in that territory, है ना? भारत सरकार के ऊपर कोई नहीं है भारत के अंदर, है ना? इसी तरीके से यूएस के ऊपर कोई नहीं है यूएस के अंदर, या नेपाल से ऊपर कोई नहीं है नेपाल के अंदर, ठीक है? तो ये चीज समझ में आनी चाहिए कि उस टेरिटरी में सोवरेंटी होती है। सोवरेंटी को हिंदी में कहते हैं संप्रभुता। तो इसका मतलब होता है दैट द गवर्नमेंट ऑफ दैट नेशन, है ना, जिसको हम स्टेट कह रहे हैं मान लो, तो वो जो है वो सुप्रीम है, सोवरिन है। तो अगर वो सुप्रीम है या सोवरिन है तो उसके ऊपर कोई भी रूल नहीं चल सकता। लेकिन उसको ये नॉर्म्स दिए जाते हैं, दैट मींस कि उसको ये सजेशंस दिए जाते हैं कि आप इन चीजों को अपने देश में लागू करें या अप्लाई करें या इसके लिए काम करें, है ना। तो इसलिए ये नॉर्म्स है। लेकिन ये नॉर्म्स किस लिए हैं? ये नॉर्म्स हैं कि सीवियर पॉलिटिकल लीगल एंड सोशल अब्यूसेस से बचाया जा सके, क्योंकि बहुत सीवियर पॉलिटिकल लीगल एंड सोशल अब्यूसेस कर सकते हैं एक तरीके की सरकार या एक तरीके का स्टेट जो है वो अपने लोगों पे या किसी पे जो उसके लोग नहीं है, सपोज दूसरे तरीके के लोग जो है, सपोज सिटीजन्स नहीं, नॉन सिटीजन्स है, तो उनके ऊपर जो है बहुत डिफरेंट तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा के जो है बहुत डिफिकल्ट लाइफ उनकी कर सकती है। तो ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं किया जा सके, इसलिए जो है ये नॉर्म्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ये पहली चीज है। अच्छा, एक चीज और समझने वाली बात, टू पीपल कैन हैव द सेम जनरल आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स इवन दो दे डिसएग्री अबाउट विच राइट्स बिलोंग टू belong on a list of such rights and even about whether universal moral rights exist। देखिए ये चीज भी है कि ह्यूमन राइट्स मानने वाले लोग में भी जो है ऐसा नहीं है कोई कोई यूनैनिमिटी है, है ना, they are not unanimous in many things, इसीलिए इतने discussions होते हैं या इसीलिए इतने debates होते हैं, है ना। और साथ में ये भी कभी कभार होता है कि वो समझ नहीं पाते कि इनको इस लिस्ट में डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। अभी हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा, बट ये चीज जो है ह्यूमन राइट्स में भी परमिसिबल है कि पीपल कैन हैव डिफरेंट ओपिनियन
और डिस्कशन के थ्रू जो है कोशिश किया जाता है दैट पीपल शुड कम टू ए रिजल्ट, है ना, एक उस पे आए कि हाँ ये चीजें जो है ह्यूमन राइट्स मानी जाएंगी, ये चीजें नहीं मानी जाएंगी। इसी तरीके से ह्यूमन राइट्स आर एन इंटरप्ले ऑफ बोथ राइट्स एंड ड्यूटीज। कभी कभार हमें लगता है कि हमारे पास राइट्स होने चाहिए लेकिन हमारे ड्यूटीज को हम पूरी तरीके से करते नहीं, है ना। जैसे कि हमारे देश में हम फंडामेंटल राइट्स का बहुत हल्ला करते हैं लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में नहीं जानते, नहीं पढ़ते हैं, इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, है ना। तो ह्यूमन राइट्स माना जाता है कि ये सिर्फ राइट्स नहीं है, ये ड्यूटीज भी है जिसको कि हमें पूरा करना चाहिए, क्योंकि आपका जो राइट है वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ड्यूटीफुल भी बनाता है। क्यों बनाता है, कैसे बनाता है, इस चीज को हम डिस्कस करते चलेंगे। इस तरीके से कहा जाता है दैट ह्यूमन राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, है ना। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा आपको मिलता रहेगा, हर एक कंडीशन में मिलता रहेगा, ऐसा होगा वैसा होगा इन दिस अंदर, उसमें जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। जैसे लास्ट थिंग ऑन दिस स्लाइड, दे आर यूनिवर्सल, इनएलियनेबल और एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ लीगल एनएक्टमेंट्स एज जस्टिफाइड मॉरल नॉर्म्स। ये एक कॉन्टेस्टेड ओपिनियन है। ऊपर वाले जो दोनों ओपिनियंस हैं उसको माना जाता है कि दे आर मोरलेस एक्सेप्टेबल टू एवरीबडी, लेकिन जब हम कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल, तो क्वेश्चन होता है कि यूनिवर्सल कहाँ है। अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, इसको ऐसा होता है, उसको वैसा होता है, हम इन सब चीजों पे आते हैं। इन एलियनेबल मतलब कि इसको कभी हटाया नहीं जा सकता है, तो ऐसा भी नहीं है। और एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ लीगल एनेक्टमेंट्स एज जस्टिफाइड मॉरल नॉर्म्स, तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है क्या? तो यूजुअली ये माना जाता है कि ऐसा होना चाहिए पर ऐसा होता नहीं है, और इस पे काफी डिबेट होता है ना। देर इज अ लॉट ऑफ कॉन्टेस्ट और लॉट ऑफ डिस्कशन विच गोज ऑन इन दिस पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एज वेल। तो इसीलिए जो है ह्यूमन राइट्स थोड़ा सा जिसे कहना चाहिए कि टॉक्ड अबाउट क्वेश्चन है ना, तो इसको भी हम थोड़ा सा समझेंगे। चलिए थोड़ा सा और कुछ जनरल चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन राइट्स आर प्लूरल एंड कैटेगराइज्ड। प्लूरल का मतलब ये होता है कि ह्यूमन राइट एक नहीं, ह्यूमन राइट्स जो है बहुत सारे, न्यूमरस है, और प्लूरल नेचर है उसका। प्लूरल नेचर है मतलब कि वो एग्जिस्ट करता है इन नंबर ऑफ वेज, तो ये एक चीज है। दूसरी चीज उसकी कैटेगराइजेशन है ना। ह्यूमन राइट्स कुछ एक तरीके के कैटेगरी में आते हैं, कुछ दूसरे तरीके के कैटेगरी में आते हैं। ऐसे नहीं कि ह्यूमन राइट्स उसमें कोई कैटेगरी नहीं, ह्यूमन राइट्स में भी कैटेगरीज है, तो इस चीज को भी देखेंगे। फिर ह्यूमन राइट्स को कभी कभार यूनिवर्सल कहा जाता है, लेकिन फिर कहते हैं कि कल्चरल डिफरेंसेस प्ले अ वेरी लार्ज रोल इन अंडरस्टैंडिंग। तो ये क्या है, क्योंकि अगर यूनिवर्सल है तो फिर सबको एप्लीकेबल होना चाहिए, लेकिन फिर हम कहते हैं कि कल्चरल डिफरेंसेस के कारण या हिट्रोजीनियस पॉपुलेशन के कारण। जैसे ह्यूमन राइट्स का कंसेप्शन जो है, हम मानते हैं कि होमोजीनियस सोसाइटीज में इजीली एक्सेप्टेबल होता है, मतलब कि जहां पे एक ही तरीके के लैंग्वेज के लोग एक होते हैं या एक ही रिलीजन के लोग होते हैं, तो वो जो है बहुत आराम से उसको अप्लाई कर देते हैं। लेकिन जहाँ पे प्लूरल से सोसाइटी है, जिसको मैं कि अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग कास्ट है, अलग अलग इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं, अलग अलग रिलीजियंस हैं, अलग अलग नेशनैलिटी के लोग हैं, या अलग अलग और भी बहुत सारी तरीके से लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो उसमें जो है अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से ह्यूमन राइट्स आर हाई प्रायोरिटी नॉर्म्स लेकिन दे इंश्योर मिनिमल राइट्स। तो ये क्या चीज है, हाई प्रायोरिटी नॉर्म्स का मतलब होता है कि ये अप्लाई होना चाहिए ऑलवेज एंड एवरी टाइम, और मिनिमल राइट्स का मतलब होता है कि ये आपको लग्जूरियस लाइफ नहीं प्रोवाइड करती है लेकिन आपको एक बेसिक या कंफर्टेबल लाइफ प्रोवाइड करने की बात करता है। तो मिनिमल है मतलब इससे कम में आपका गुजारा नहीं हो पाएगा, और हाई प्रायोरिटी नॉर्म्स इसीलिए भी है क्योंकि वो मिनिमल है, मतलब कि ये हाईएस्ट प्रायोरिटी। जैसे अभी सपोज लॉकडाउन लगता है तो हम बोलते हैं हाईएस्ट प्रायोरिटी की चीजों को जो है वो हम बंद नहीं करेंगे। जैसे कि सपोज मान लेते हैं कि जो ग्रोसरीज हैं या जो डेली यूज होने वाला सामान है, खाने पीने का सामान है ना, या से हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड से मेडिसिन है एंड सो ऑन है, तो इनको हम बंद नहीं करेंगे, लेकिन बाकी जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको हम बंद कर देंगे, तो वो हाई प्रायोरिटी है ना। इसी तरीके से मिनिमल राइट्स भी इसी अंडरस्टैंडिंग में क्लियर होता है कि ये मिनिमल है, कि अगर इंसान खाएगा नहीं तो कैसे जिंदा रहेगा, या अगर वो बीमार है उसके पास मेडिसिन नहीं तो कैसे जिंदा रहेगा। तो हॉस्पिटल है, मेडिकल फैसिलिटीज हैं, ये मिनिमल चीजें हैं, ये सबके पास होना चाहिए।
है ना, तो इसलिए हम उसको कहते हैं हाई प्रायोरिटी नॉर्म्स हैं और वो मिनिमल राइट्स इंश्योर कर। इसी तरीके से कभी कभार इस पे एक डिस्कशन होता है कि इंटरनेशनल नॉर्म्स है तो उनके पास लोकल प्रेजेंस कहाँ से होगा। अगर कोई चीज इंटरनेशनल लेवल पे है तो क्या वो लोकली अवेलेबल हो सकती है? तो इंटरनेशनल नॉर्म्स जो है वो लोकली अवेलेबल करवाई जानी चाहिए, ये ह्यूमन राइट्स का आइडियोलॉजी। हम इस पे और भी आएंगे, बट एक मोटे तौर पे अगर समझने की कोशिश करें तो आपने देखा होगा कि मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रोडक्ट्स कहीं पर भी अवेलेबल होते हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि कोका कोला एक कंट्री में मिलता है, हर कहीं मिलता है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वो एक बेसिक ड्रिंक है, बहुत लव ड्रिंक है, एंड वो ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलता है। तो वो क्या हो गया कि एक तरीके से एक इंटरनेशनल चीज है जो कि लोकली भी अवेलेबल होती है। आप गांव में भी जाते हैं तो कहीं भी अंदर से अंदर वाली जगह, तो वहां पर भी आपको कोका कोला या पेप्सी या इस तरीके के कोल्ड ड्रिंक्स मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसकी जो रीच है वो अंदर तक जानी चाहिए, एकदम जो एकदम कहना चाहिए कि डीपेस्ट कॉर्नर्स ऑफ दी कंट्री है वहां तक पहुंचना चाहिए, और वो इंटरनेशनल है। दैट मींस कि इट इज ऑफ दैट स्टैंडर्ड। ऐसे भी अगर आपको पता हो तो पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो बता सकता हूँ कि कोका कोला मोर और लेस, मैं एग्जैक्ट तो नहीं कहूंगा लेकिन मोर और लेस टेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम करता है। मतलब कि अगर आप यूएस में जाके कोका कोला पीते हैं या यूरोप में जाके पीते हैं या नेपाल में जाके पीते हैं या इंडिया में पीते हैं या कहीं भी पीते हैं, तो आपको मोर और लेस 99% जो है इसका टेस्ट सेम रहता है। थोड़ा सा डिफरेंस कभी कभार आता है बिकॉज ऑफ द वाटर यूज्ड, पर उसको भी वो मॉडरेट करते हैं सो दैट कि आपको एग्जैक्टली वही टेस्ट मिले। हालांकि फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस तो होता है लेकिन मोर और लेस सेम टेस्ट होता है ना। तो ये क्यों हो पाता है? क्योंकि आपने उस तरीके से स्टैंडर्ड मेंटेन किया है या उस तरीके से उसके प्रोसेस को बनाया। ऐसा तो नहीं है ना कि यूएसए कोका कोला आ रहा है हम पी रहे हैं, हम अपने देश में बनाते हैं, यहाँ पे हमारे जम्मू एंड कश्मीर में भी है, सभी जगहों पे होता है, कोका कोला के प्लांट्स होते हैं, वहां से कोका कोला बनता है और एक तरीके का ही टेस्ट देता है। तो मतलब कि अवेलेबल करवाया जा सकता है कोई चीज को सेम की तरह, ठीक है ना, या एक जैसा होना चाहिए या एक जैसा हो सकता है। इसी चीज को जो है वो इंटरनेशनल नॉर्म्स फॉर लोकल प्रेजेंस के बारे में बात करते हैं। अब हम जरा देखते हैं कि ओल्ड क्लासिफिकेशन क्या था ह्यूमन राइट्स का। ओल्ड क्लासिफिकेशन जो था उसको कहते थे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, सोशल राइट्स, माइनॉरिटी एंड ग्रुप राइट्स और एनवायरमेंटल राइट्स। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स वही चीजें हैं जो कि सरकार आपसे ले सकती है, लेकिन आप हम इस चीजों पे बहुत ज्यादा डिस्कशन करेंगे। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो है ये बेसिक राइट्स होते हैं जो कि स्टेट आपको प्रोवाइड करते हैं। सोशल राइट्स यानी कि वेलफेयर राइट्स, जैसे राइट टू एजुकेशन एंड सो ऑन, जो है ये चीजें जो है वो सोशल राइट्स में आएंगे। जैसे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आएगा, है ना। माइनॉरिटी एंड ग्रुप राइट्स, इस ये जो है ये इनिशियली पार्ट नहीं था ह्यूमन राइट्स का, लेकिन बाद में इसको कंसीव किया गया। हालांकि ये ओल्ड क्लासिफिकेशन में आता है बट ये जो है इनिशियली नहीं अंडरस्टूड था। माइनॉरिटी एंड ग्रुप राइट्स का मतलब होता है कि भाई एक माइनॉरिटी है या एक ग्रुप है जिसकी की स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, तो उसको कुछ स्पेशल राइट्स मिलने चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से देखें तो आप देख सकते हो कि ह्यूमन राइट्स सबको सेम नहीं मिल रहे होंगे, है ना। अभी हम आएंगे इन सब टॉपिक्स पे, इसीलिए थोड़ा सा डिस्कशन ज्यादा हो जाता है, पर माइनॉरिटी एंड ग्रुप राइट्स स्पेशल राइट्स होते हैं। जैसे बच्चों के लिए स्पेशल राइट्स हो सकते हैं, इसी तरीके से जो है वो उसको हम कहते हैं कि माइनॉरिटी एंड ग्रुप राइट्स में आता है। तो माइनॉरिटी हमारे देश में जो है रिलीजियस माइनॉरिटी को कहा जाता है, बट कहीं पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो सकता है, कहीं पे जो है आइडियोलॉजिकल माइनॉरिटी हो सकता है, कहीं पे जो है कोई और तरीके से माइनॉरिटी हो सकता है, कल्चरल माइनॉरिटी हो सकता है ना, एंड सो ऑन। तो ऐसे करके भी जो है डिफरेंसेस बनते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनवायरमेंटल राइट्स। कभी कभार लोगों को लगता है कि एनवायरमेंटल राइट्स ह्यूमन राइट्स कैसे बन सकते हैं, तो एनवायरमेंटल राइट्स ऐसे तो एनवायरमेंटल राइट्स है, लेकिन राइट टू एनवायरमेंट इज अ ह्यूमन राइट्स। राइट टू एनवायरमेंट इज अ ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या होता है कि आपके पास क्लीन एंड क्लियर एनवायरमेंट होना चाहिए, प्योर सेड, या मुझे ऐसा कहना चाहिए कि ड्रिंकिंग वाटर जो है सेफ होना चाहिए, एंड सो ऑन। ये सब एनवायरमेंटल राइट्स में आते हैं। फ्रेश एयर होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें भी एनवायरमेंट राइट्स में आते हैं, पर वो डायरेक्टली ह्यूमन को भी इफेक्ट करते हैं। और अगर एनवायरमेंट नहीं है प्रॉपर तो वो आपका एक बेसिक ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी हो सकता है ना। जैसे कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, आप खांस रहे हो उस जगह पे, या आप गाड़ी नहीं चला पा रहे हो क्योंकि सामने इतना पोल्यूशन है, आपको चीजें नहीं देख पा रही है ना, ट्रेन लेट हो रही है, फ्लाइट लेट हो रही है, या और भी बहुत सारी चीजें इस तरीके से आपको बहुत नुकसान पहुंच रहा है ना। या कहीं पे जो है एयर क्वालिटी इतनी खराब हो गई है कि वो टॉक्सिक हो गया है, तो या पानी जो है इंटॉक्सिकेटेड आ रहा है, कंटेमिनेटेड आ रहा है,
है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको जो है हम एनवायरमेंटल राइट्स कहते हैं। तो ये तो था एक ओल्ड क्लासिफिकेशन। अब जो न्यू क्लासिफिकेशन है वो 7 टाइप्स में जो है डिवाइड करता है ह्यूमन राइट। न्यू क्लासिफिकेशन 7 तरीके से डिवाइड करता है, इस स्लाइड में सिर्फ 4 है। व्हाट आर दीज थिंग्स? न्यू क्लासिफिकेशन में क्या क्या आते हैं? सिक्योरिटी राइट्स दैट प्रोटेक्ट पीपल अगेंस्ट मर्डर, टॉर्चर एंड जेनोसाइड। तो इसको जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स था उसको इन्होंने थोड़ा सा डिवाइड कर दिया, कहा सिक्योरिटी राइट्स। फिर ड्यू प्रोसेस राइट्स दैट प्रोटेक्ट पीपल अगेंस्ट आर्बिट्री एंड एक्सेसिवली हार्श पनिशमेंट्स एंड रिक्वायर फेयर एंड पब्लिक ट्रायल्स फॉर दोज अक्यूज्ड ऑफ क्राइम्स। तो ये जो है ये सेकेंड डिविजन हो गया। फिर थर्ड डिविजन हो गया है जिसको कहा है लिबर्टी राइट्स दैट प्रोटेक्ट पीपल्स फंडामेंटल फ्रीडम्स इन एरिया सच एज बिलीफ, एक्सप्रेशन, एसोसिएशन एंड मूवमेंट। और चौथा बना दिया है पॉलिटिकल राइट्स दैट प्रोटेक्ट पीपल्स लिबर्टी टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स बाय असेंबलिंग, प्रोटेस्टिंग, वोटिंग, सर्विंग इन पब्लिक ऑफिस। तो अगर आप ये पुराने वाले राइट्स देखें तो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को इन्होंने डिवाइड कर दिया है अगर कायदे से देखें तो 4 तरीके से, ठीक है ना। तो ये हो गया है इनका नया क्लासिफिकेशन, जिसमें कि फर्स्ट राइट्स जो थे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ओल्ड क्लासिफिकेशन के, उसको इन्होंने 4 में डिवाइड कर दिया, बाकी तीनों को ऐसे रखा है इन्होंने, इस तरीके से नाम दिया है। इक्वालिटी राइट्स दैट गारंटी इक्वल सिटीजनशिप, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। सोशल राइट्स दैट रिक्वायर दैट गवर्नमेंट्स इंश्योर टू ऑल अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज एंड एन एडिक्वेट एंड स्टैंडर्ड लिविंग। तो इसी में अगर आप देखें तो एनवायरमेंटल राइट्स भी आ जाते हैं, ठीक है ना। एंड लास्ट माइनॉरिटी एंड ग्रुप राइट्स हैव बीन क्रिएटेड बाय सब्सिक्वेंट ट्रीटीज। मैं बताया था कि इनिशियली ये पार्ट नहीं थे। These rights protected women, racial and ethnic minorities, indigenous peoples, children, migrant workers and the disabled. तो इनको भी जो है include किया है। चल, तो ये old classification और ये new classification था। अब हम आते हैं कुछ violations पे, कुछ issues पे and कुछ चीजों पे जिसको कि हम discuss कर सकते हैं in the class openly, ठीक है। तो पहला part जो है उसको आप देख सकते हैं कि ये है कि इश्यूज वर्सेस वायलेशंस क्या होते हैं। तो फर्स्ट थिंग, क्या रेप बाय एन इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स वायलेशन है? तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि नहीं है। बट रेप बाय अ लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी, है ना, कोई आर्मी या पुलिस के लोग अपना पावर का यूज करते हुए अगर किसी को रेप करते हैं तो दैट बिकम्स अ ह्यूमन राइट्स वायलेशन। इसी तरीके से अगर किसी का ग्रीवेंस रिड्रेसल नहीं हुआ है या उसको जस्टिस नहीं प्रोवाइड किया गया है, देन आल्सो इट बिकम्स अ ह्यूमन राइट्स इश्यू, है ना। तो ये चीज जो है होती है। तो आपको ह्यूमन राइट्स इश्यूज और वायलेशन समझ में आने चाहिए, है ना। कुछ चीजें क्राइम होती हैं पर वो ह्यूमन राइट्स इश्यू या वायलेशन नहीं बने, ऐसा हो सकता है। और कुछ चीजें जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बन जाते हैं, तो ये चीज समझना है। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में जाए तो मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा आप लोगों से, एंड फील फ्री टू आंसर, कि इनमें से कौन सी चीज जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशन है? रिजर्वेशन, हाँ, क्योंकि वो किसी तबके के लोगों को जो है राइट्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता है। या मैटरनिटी लीव, है ना, महिलाओं को जो है मैटरनिटी लीव मिलती है जो कि पुरुषों को नहीं मिलती। पुरुषों को पैटरनिटी लीव मिलती है ना। इफ यू आर बिकमिंग अ फादर ऑफ समबडी तो आपको 15 डेज ऑफ लीव मिल सकता है, और अगर आप किसी के मदर बन रहे हो तो आपको 6 महीने की लीव मिलती है। तो क्या ये डिस्टिंक्शन सही है? फिर टैक्स स्लैब्स होते हैं, जैसे कि जो लोग कम कमाते हैं उनको कम टैक्स देना पड़ता है, जो लोग ज्यादा कमाते हैं उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। तो क्या एक यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम नहीं हो सकता? इस पे भी क्वेश्चन होते हैं। और क्या ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पर्सनल राइट्स, जिसके ऊपर की यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिमांड जो है हमारे देश में बहुत दिनों से चल रही है, तो क्या ये एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन है? सो द फ्लोर इज ओपन टू ऑल ऑफ यू फॉर डिस्कशन कि आपको इनमें से कौन सा ह्यूमन राइट्स वायलेशन लगता है और कौन सा ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं लगता है। एनीबडी कैन स्पीक, फील फ्री टू स्पीक, बिकॉज दिस क्लास इज समथिंग विच इज डिस्कशन ओरिएंटेड। सर रिजर्वेशन रिजर्वेशन इज अ ह्यूमन राइट्स वायलेशन। यस सर बिकॉज इन सम वे और द अदर इट इज अ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और समथिंग एल्स लाइक दे आर लाइक गिविंग रिजर्वेशन टू सम पीपल नॉट ऑल दैट इज सम व्हाट लाइक सम वे और द अदर इज अ लाइक ह्यूमन राइट वायलेशन
अगर सबको रिजर्वेशन देंगे तो फिर रिजर्वेशन कहाँ बचा? सो आई बचा है बिलीव वो कि तो, नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन. क्योंकि आपको कास्ट क्वेश्चनिंग लगता है कि कास्ट के बेसिस पे नहीं होना चाहिए या किसी भी बेसिस पे नहीं होना चाहिए, किसी भी बेसिस पे नहीं होना चाहिए या सिर्फ कास्ट के बेसिस पे नहीं होना सर कास्ट के बेसिस पे नहीं होना चाहिए? चाहिए, इकोनॉमिक लाइक इनकम के बेसिस पे होना चाहिए. लाइक इकोनॉमिकली बैकवर्ड अच्छा एरियाज के तो लिए होना आप, चाहिए, बट कास्ट के लिए इज लाइक ए ह्यूमन राइट वॉयलेशन. अच्छा तो इकोनॉमिक बेसिस जो है आपको ठीक लगता है लेकिन कास्ट ठीक नहीं लगता। ठीक है, थैंक यू गुनगुन। कामाक्षी आप कुछ कह रहे थे? सर सेम पॉइंट विच सी शेड. अच्छा कि इकोनॉमिक बेसिस पे होना चाहिए लेकिन कास्ट के बेसिस पे होना चाहिए। और कोई, एनीबडी हु विल लाइक टू एक्सप्रेस हिज और हर ओपिनियन? ह्यूमन राइट्स वायलेशन। अच्छा चलिए, ये गुनगुन और कामाक्षी ने कहा कि इसके बेसिस पे होना चाहिए, इकोनॉमिक बेसिस पे होना चाहिए लेकिन कास्ट के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। हाउ अबाउट मेटर्निटी लीव, क्या ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है? एनीबडी कैन स्पीक। जैसे मैटरनिटी लीव की जो वो है, डेज है, वो करीब करीब 6 मंथ्स है, और पैटर्निटी लीव जो है वो सिर्फ और सिर्फ 15 डेज है। तो क्या ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है किसी तरीके से आपको सर मे लगता है आई, किसी? हाँ हाँ बोले। सर आई डोंट थिंक इट इज अ वॉयलेशन बिकॉज इट इज अ नेचुरल थिंग. मेटर्निटी लीव ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इट इज अ नेचुरल थिंग. दे हैव टू गो थ्रू सम लाइक पेन एंड ऑल, तो दे नीड इट. बट वेयर एज पेटर्निटी लीव इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू मेटर्निटी लीव. लाइक हाउ लाइक मेकिंग अ वुमेन वर्क इन देयर प्रेगनेंसी इज एक्चुअली अ ह्यूमन राइट वॉयलेशन रादर देन गिविंग द मेटर्निटी लीव. और कोई, एनीबडी एल्स हु फील्स लाइक कि पैटर्निटी लीव भी 6 महीने मिलनी चाहिए, या मिलनी चाहिए, या ऐसा लगता है कि वो एक वायलेशन है या वो जेंडर इक्वालिटी के खिलाफ है? जेंडर इक्वालिटी समझते हैं आप लोग? यस सर, क्या होता है बेटा? वी आर बोथ मेन एंड वुमेन आर ट्रीटेड इक्वली. मेन एंड वीमेन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। तो अगर मेन को 15 डेज की लीव मिल रही है और वीमेन को 6 मंथ्स की लीव मिल रही है तो जेंडर इक्वालिटी के खिलाफ हुआ? कोई भी बोल सकता नो है ना। सर, बिकॉज सर बिकॉज द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज जस्टिफाइबल बिकॉज इट्स इक्विटी सर. बिकॉज समटाइम्स इट्स द मैटर ऑफ इक्विटी नॉट इक्वालिटी अबाउट इट इज द मैटर, व्हाट समवन डिजर्व्स मोर. तो इक्विटी का मैटर है लेकिन इक्वालिटी का नहीं है। बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जस्टिफाइड है। तो मैटरनिटी लीव 6 महीने मिल सकती है। इनफैक्ट आपको मैं बताऊं, पैटरनिटी लीव पहले ऐसे मिलती नहीं थी पर अब पैटरनिटी लीव भी मिलती है 15 डेज। तो इट्स अ वेलकम प्रपोजल बाय मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स एंड पीपल, है ना? तो चलिए, ये भी मैं आपके ओपिनियन से, हाउ अबाउट टैक्स लैब? जैसे कि सपोज आई अर्न 5 लैक्स पर एनम तो मुझे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। आई सपोज अर्न 8 लैक्स पर एनम तो मुझे 5 लैक्स से लेके 8 लैक के बीच में 20% या 10% टैक्स देने की जरूरत है। सपोज आई अर्न 10 लैक्स पर एनम तो मुझे 8 से लेके 10 लैक्स के बीच वाला जो है उसमें मुझे 30% देना पड़ेगा। अगर सपोज मैं मान लेते हैं 15 लैक्स पर एनम कमाता हूँ यार, तो मुझे अपनी सैलरी का 35% देना पड़ेगा, 40% इस तरीके से रहता है सपोज, है ना? टैक्स स्लैब्स अलग अलग होते हैं, आपको पता होगा ना, अलग अलग देशों। तो अब सपोज कि अगर कोई 5 लाख तक कमा रहा है तो वो भी 10% दे दे, और जो 50 लाख कमा रहा है वो भी 10% दे दे, तो यूनिफॉर्म हो जाएगा या यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए? क्या टैक्स स्लैब्स एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन है किसी को भी? आप नो में से सर. को क्यों क्यों नहीं है बेटा? सर अगेन एज द फर्स्ट वन सेड, इट इज अ मैटर ऑफ इक्विटी नॉट इक्वालिटी. सो इफ अ पर्सन अर्निंग 10,000 पेज 10% व्हाट ही विल ईट और व्हाट ही विल डू विद हिज नीड्स. अच्छा, तो मतलब कि अगर आप कम पैसा कमा रहे हैं तो आप अगर उसमें से भी 10% दे देते हैं तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं, लेकिन अगर आप 10 लाख कमा रहे हैं तो बचेगा, ऐसे ही कुछ कह रहे हो? यस सर. ओके चलिए। ऐसे नीड्स और डिमांड्स लोगों की पैसे के हिसाब से डिफरेंशिएट होती है।
जब मैं स्कॉलरशिप पे था तो मेरे पास 8,000 रुपये स्कॉलरशिप आती थी। तो मतलब जस्ट मैं आई एम जस्ट शेयरिंग, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ या कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग को। तो क्या होता था कि आई वॉज वेरी हैप्पी विथ अनब्रांडेड स्टफ, है ना, मतलब कि मेरे को एक टी शर्ट मिल जाए तो आई विल टू बी वेरी हैप्पी। और मैं अपने इंस्टीट्यूशन का टी शर्ट पहनता था तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि ओके मैंने अपने यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन का टी शर्ट पहना हुआ है ना, जैसे फेस्ट में टी शर्ट आते हैं तो लोग पहनते हैं। सो आई वॉज वेरी हैप्पी। देन आई स्टार्टेड अर्निंग से अ लिटिल बिट मोर, तो मुझे लगा कि अच्छा बहुत हो गया ये यूनिवर्सिटी की टी शर्ट, इंस्टीट्यूशन की टी शर्ट, अब मुझे थोड़ा सा कुछ अच्छा टी शर्ट पहनना चाहिए। तो आई स्टार्टेड वेयरिंग सम बेटर स्टफ। उसके बाद फिर मेरी सैलरी थोड़ी सी और बढ़ी तो फिर मुझे लगा नहीं अब तो थोड़ा सा और ब्रांडेड जाना चाहिए, एंड फिर थोड़ा सा और ब्रांडेड जाना चाहिए। तो जितनी जितनी सैलरी बढ़ती है तो मेरी सोच में भी ऐसे आता है कि मुझे थोड़ा सा और हायर में जाना चाहिए। मतलब आई वाज जस्ट सेइंग कि किसी को भी पैसे ज्यादा नहीं लगते मतलब यूजुअली स्पीकिंग लग तो सकते ही है किसी को, बट लगते नहीं है। और लोग जो जिनके पास ज्यादा होता है वो ज्यादा टैक्स बचाते हैं और क्या बोलते हैं करप्ट भी होते हैं एंड सो ऑन, आपने देखा होगा ह्यूमन बिहेवियर में। एनीवेज दैट वाज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डिस्कोर्स एंड सो ऑन। मैं आपको कोई किसी को भी क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, बट जस्ट सोचने के लिए कह रहा हूँ कि देखना किसी को पैसे ज्यादा पड़ते हैं क्या, इज एनीबडी हैप्पी पेइंग टैक्सेस, तो शायद आंसर आएगा ना। और अभी तो आप लोग उतना समझ भी नहीं रहे हो बिकॉज यू पीपल आर नॉट अर्निंग ना, मतलब अभी आप कोई जॉब नहीं कर रहे। जब आप जॉब करोगे तो आप देखोगे कि लोग आर वेरी पिस्ड ऑफ विद दिस अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाई वी हैव टू पे सो मच ऑफ टैक्सेस। व्हाई, मतलब देखो जैसे आपको लगता है कि 10,000 में 10% ले लिया तो मतलब कि 1,000 ले लिया ना तो उसका 1,000 रुपये चला गया। 10 लाख वाले से कितना लोगे 10%? 1 लाख। वो सोचने लग जाता है कि यार मैं 1 लाख से तो कम से कम अपना आईफोन ही चेंज कर लेता, है ना, कर लेता कि नहीं। 1 लाख में तो कम से कम एक अच्छा सा आईफोन खरीद ही सकता, तो उसको ये लगता है। एनीवेज चलिए कोई नेक्स्ट। पर्सनल राइट्स, मैं आपको सबसे पहले बता दूं व्हाट आर पर्सनल राइट्स। आपको पता है भाई व्हाट आर पर्सनल राइट्स? एनीबडी, एनी स्टूडेंट फील लाइक फ्री, राइट टू प्राइवेसी इज वन ऑफ द राइट टू, पर्सनल राइट. राइट टू प्राइवेसी? नहीं, वो तो फंडामेंटल राइट है आपका। कोई बताओ मुझे पर्सनल राइट्स क्या होते हैं? मुस्लिम पर्सनल लॉ हाँ, अबाउट स्पेसिफिक रिलीजन के लिए, स्पेसिफिक क्या होता है? जैसे मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है स्पेसिफिक, हाँ, वो पर्सनल राइट है ना। वो पर्सनल राइट क्यों है? अच्छा, किसी के रिलीजन के बेस पे, अच्छा इसलिए आप कह रहे हो। ओके, और कोई? सर द राइट्स अ पर्सन हैज ओवर देयर ओन बॉडी. जैसे कि एबॉर्शन राइट्स जो है वो पर्सनल राइट्स होने चाहिए, यस सर. ऐसा है नहीं। जो अभी ये कह रहे थे आदित्य और जो नमिता कह रहे हो, दोनों ही पॉइंट पे नहीं पहुंच रहे हो। सर प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह. प्रॉपर्टी राइट्स, नाउ ध्यान ने सही बोला। और कोई? हाँ समर। सर द राइट्स ऑफ सम पीपल, सम अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव सम स्पेसिफिक डिमांड्स एंड नीड्स, सच एज पीपल हु आर मेंटली और फिजिकली चैलेंज्ड और डिसेबल्ड. नहीं, वो स्पेशल राइट्स में आते, सर राइट टू फॉलो एनी रिलीजन ऑफ योर चॉइस. वो आपका फंडामेंटल राइट है, वो रिलीजियस राइट्स है। सर ओनरशिप राइट किस चीज का राइट ओनरशिप? सर फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी कोई मतलब जैसे हमारे में हमारे पास कोई कार है तो उसकी कार की ओनरशिप हमारे पास रहे तो नो, वो तो सर ऐसे भी पर्सनल सिक्योरिटी राइट्स एंड पर्सनल लिबर्टी राइट्स. वो लिबर्टी राइट्स हैं, सिक्योरिटी राइट्स हैं भाई, वो पर्सनल नहीं है, वो सबको मिलते हैं। पर्सनल राइट्स क्या होते हैं? पर्सनल राइट्स थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे काफी हद तक क्लोज थे आदित्य जो मुस्लिम लॉ बोर्ड के हिसाब से बात कर रहे थे। हाँ विशाल, विशाल आपने हाथ उठाया शायद। सब पर्सनल राइट्स आर स्पेसिफिक राइट्स टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड द बॉडी नहीं, वो तो काफी हद तक नमिता भी बोल रहे मोस्ट थे। ऑब्वियसली प्रोटेक्टेड बाय द थॉट्स ऑफ असॉल्ट एंड बैटरी. नहीं,
और कोई नहीं हो तो फिर मैं सर बताऊं। सर द राइट्स ऑफ दैट ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन विद अ पर्टिकुलर सेट ऑफ बिलीफ्स सच एज इन वैटिकन देयर इज द रूल ऑफ द कैथोलिक चर्च सो वो एंड आप लोग शरिया लॉ रिलीजियस एंड रिलीजियन की तरफ जा रहे हो लेकिन अभी भी पर्सनल लॉ समझ नहीं रहे हो। पर्सनल लॉ और पर्सनल राइट्स क्या होते हैं? हाँ बोलिए विशाल। सर इफ लीगल क्लेम पॉइंट पे नहीं आ पा रहे। अच्छा मैं बता, देखिए क्या है। हाँ कोई और? So maybe personal rights means like giving my own opinion, having my own opinion. नहीं, वो आपका freedom of expression है। देखो मैं बता। So अच्छा नमिता बताएं। So to suffer the consequences of their own doing? नहीं, वो तो प्रायश्चित है बेटा, आप चाहो कभी भी करो। ओके, the thing is पर्सनल राइट्स या पर्सनल लॉस किस चीज को डील करते हैं, इस चीज को समझ में आना चाहिए। पर्सनल, हाँ एक मिनट बेटा, अगर मैं बोलूं तो पर्सनल लॉ या पर्सनल राइट्स जो होते हैं वो बेसिकली दो चीजों को डिफाइन करते हैं। एक होते हैं इनहेरिटेंस लॉज, यानी कि आपको आपके पैतृक संपत्ति या मातृक संपत्ति में या जो भी आपके पूर्वजों की संपत्ति में कैसे भागीदारी मिलेगी, इनहेरिटेंस लॉस, ये होता है फर्स्ट। दूसरा होता है आपके मैरिज लॉस, ठीक है ना, कि आप कैसे मैरी कर सकते। अब ह्यूमन बीइंग्स क्योंकि रिलीजियन बेस्ड मैरिजेस करते हैं इसलिए रिलीजियन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मैरिजेस में, और इसके कारण से मैरिज के लॉज हमारे इंडिया में अलग अलग रिलीजन के लिए अलग अलग हैं, और इसी कारण से यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिमांड की जाती है। इसी तरीके से इनहेरिटेंस लॉज भी जो है वो भी अलग अलग होते थे, उसको हालांकि काफी स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की गई है लेकिन अभी भी थोड़ा सा 19-20 है अगर आप थोड़ा सा लॉ में एंटर करके देखें तो। तो ये दोनों चीजों को जो है बेसिकली पर्सनल लॉज कहे जाते हैं, और ये इंडिया के अंदर या बहुत सारे जगहों में जो है अलग अलग है फॉर अलग अलग पीपल। जैसे कि आप अगर हिंदू हैं तो आप एक ही मैरिज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हिंदू नहीं है और मुस्लिम है तो फिर आप एक से ज्यादा मैरिजेस कर सकते हैं, एंड सो ऑन। इसी तरीके से इनहेरिटेंस लॉज भी जो है डिफरेंशिएटेड होता है, किसी को अपने पापा के संपत्ति में चीजें मिलती हैं, किसी को नहीं मिलती हैं। या जैसे आपके जम्मू एंड कश्मीर में भी इस तरीके से रूल्स एंड लॉज थे ना, कि अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन हैं या जम्मू एंड कश्मीर का आपके पास डोमिसाइल है लेकिन आप बाहर शादी कर लेते हैं तो आपको जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारी चीजों आप उसको चेंज किया गया है, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, इसको हम कहते हैं पर्सनल लॉज, ठीक है ना। तो अब पर्सनल लॉज का जो अलग अलग होना है ना, तो क्या ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, ये पूछ रहा था। अब तो पता चल गया, अब तो आप बता सकते हो, अपनी राय दे सकते हो कि क्या ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। नो सर। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है सर? ये तो इंडिविजुअली गिवन है ना। क्या गिवन है? इंडिविजुअली मतलब अगर जैसे आपने बताया, हम अपनी प्रॉपर्टी वगैरह अगर किसी को भी आगे, जैसे हमारी पुरानी प्रॉपर्टीज हुई मैरिज वगैरह के लेके, तो सर ये ह्यूमन रिवॉल्यूशन में तो नहीं आया। मैं तो तुम ये पूछ रहे हो या बता रहे हो? नहीं सर, बता रहा हूँ मैं। अच्छा बता रहे हो, अगर मैं बोलूँ गलत बता रहे हो तो पूछ लो। नहीं, इस पे ओपिनियन काफी कंटेस्टेड है ना, दोनों तरफ जो है लोग बहुत रैली करते हैं और सारी चीजें, बट जो भी है। तो मतलब मैं आप लोग को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जो नेचर ऑफ ह्यूमन राइट्स है ना वो बहुत ही कॉन्टेस्टेड है एंड इट हैज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना। तो आप देखोगे कि बहुत इश्यूज होते हैं उसको लेके, और लोग जो है मतलब जिसे मुझे कहना चाहिए कि इट इज नॉट ईजी टू टेक अ पॉइंट ऑफ व्यू इन दीज थिंग्स, लेकिन ऑब्वियसली पढ़े लिखे होने का एक मतलब ये भी है कि आप थोड़ा सा डेवलप करें अपना पॉइंट ऑफ व्यू और एक अच्छा और वेल वर्क्ड पॉइंट ऑफ व्यू को भी डिस्कस करें।
तो चलिए एनीवेज दिस वाज सर्टेन पार्ट्स जो कि आपको पता होना चाहिए था, तो इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन भी जो है हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, बट क्योंकि कुछ नए बच्चे हमारे क्लास में हैं, कि मर्डर वर्सेस डेथ पेनल्टी वेदर दे आर इश्यूज वायलेशंस और नन। तो अगर मैं इसका, क्योंकि दूसरे बच्चे नहीं तो बोर होंगे, तो इसलिए मैं बता दूं, मर्डर इज अ क्राइम बट इट्स नॉट अ ह्यूमन राइट्स वायलेशन। हाउएवर डेथ पेनल्टी इज कंसिडर्ड एज अ ह्यूमन राइट्स वायलेशन। और उसके पीछे अंडरस्टैंडिंग है कि मर्डर एक पर्सन दूसरे पर्सन का करता है, लेकिन डेथ पेनल्टी सरकार देती है। तो अगर आपको अभी तक डिस्कशन में समझ में नहीं आया है तो मैं बता दूं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ सरकार कर सकती है ना। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर गवर्नमेंट चाहे अपने लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी के द्वारा, चाहे किसी के द्वारा या कोई पॉलिसी के द्वारा इंडिविजुअल के राइट्स छीन रही है या इंडिविजुअल को वो राइट्स प्रोवाइड नहीं कर रही है जो कि प्रोवाइड होने चाहिए, तब जाके उसको हम ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कहते हैं, है ना। एक पर्सन दूसरे पर्सन के अगेंस्ट में क्राइम कर सकता है, क्राइम करता है वो, उसको ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं कहेंगे, है ना। ये चीज अंडरस्टैंडिंग या ये चीज जो है हमेशा अपने दिमाग में ठीक से बना के रखना कि अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया या किसी ने किसी का रेप कर दिया तो वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन। लेकिन अगर सरकार ने किसी को मारा या सरकार के किसी मेंबर ने, सरकार का मेंबर मतलब कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेस होल्ड करते हैं, है ना, या जो भी पॉलिटिशियंस या ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये अगर अपनी पोजीशन को यूज करते हुए कुछ गलत काम करते हैं तो फिर वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन बन जाता है। तो ये इश्यू या ये चीज जो है थोड़ा सा समझिएगा। तो इसके लिए आपको ये वाला वेबसाइट है, स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी, इसमें ह्यूमन राइट्स पे एक मटेरियल है, ये मैंने उसकी लिंक भेज के रखी हुई है, इसमें लगा के रखी हुई है। मैं चाहे तो इसको कॉपी करके आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ चैट बॉक्स पे, सो दैट यू कैन ऑल्सो गो एंड रीड दी स्टफ फ्रॉम हियर। ये